हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो नीट का एग्जाम कंडक्ट कराया था उससे रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं। यानी जो नीट का एग्जाम हुआ उसमें कई सारी प्रॉब्लम अराइज हो रही हैं। अगर हम गंगानगर की बात करें, आपने न्यूज में देखा होगा कि जो राजस्थान का एक केंद्र था श्री गंगानगर, उसमें कॉपियों प्रश्न पत्र से रिलेटेड कई सारी इन्फॉर्मेशन निकल के आई कि वहां जो क्वेश्चन पेपर था वो बाइलिंगुअल नहीं था, सिर्फ इंग्लिश में था और पहले क्वेश्चन बांट दिया गया, फिर उन्हें सबमिट करा लिया गया टीचर्स के थ्रू ये बोल कर कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो दोबारा दिया जाएगा, ये एग्जाम दोबारा कंडक्ट कराया जाएगा। तो ऐसा न्यूज में भी आ रहा है कि नीट यूजी जो है वो फिर से हो सकती है नीट परीक्षा प्रश्न पत्र बांटने में हुई गड़बड़ी। तो यहाँ आप न्यूज देख सकते हैं। अगर सेकंड की न्यूज की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ सॉल्वर गैंग को लेकर भी कई सारी प्रॉब्लम्स अराइज हुई है। निकल के आ रहा है कि सीबीआई ने 8 पीपल को क्या अरेस्ट किया है जो आपके सॉल्वर गैंग से रिलेटेड थे। तो यानी कई सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही। तो ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि जो आपका नीट एग्जाम है वो फिर से कंडक्ट कराया जा सकता है। तो इसमें आपकी क्या राय है, आपका क्या, आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, आपका क्या ओपिनियन, प्लीज कमेंट करके बताइए। अभी कोई ऑफिशियल अपडेट अभी तक इससे रिगार्डिंग नहीं आई है। ये कोई ऑफिशियल अपडेट आई हो, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन, अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई है एनटीए द्वारा कि नीट का जो एग्जाम था वो फिर से कंडक्ट कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा। जो भी आगे की अपडेट होती है मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगी। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज इस चैनल से जुड़े रहिए। जो भी अपडेट होगी आगे की मैं तुरंत आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। थैंक यू।